भारत में खेलों के प्रति बढ़ती लोकप्रियता और खिलाड़ियों का बढ़ता रुझान खेलों को एक नई दिशा दे रहा है और खिलाड़ियों को एक नए मुकाम की तरफ ले जा रहा है। उसी कड़ी में एक संस्था है जो सामने आई है और प्रदेश स्तर के खेलों का आयोजन करा रही है। जो संस्था है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट फाउंडेशन है। ये एक संस्था है जो मुजफ्फरनगर के अंदर उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश स्तर के खेलों का आयोजन करा रही है। हमारे साथ कुछ कमेटी के जो फाउंडेशन के जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि उद्देश्य क्या हैं, किस स्तर के खेल हैं और इनका क्या कनेक्शन है, किस तरह से कहां तक इन्हें ले जाया जाएगा। और कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे ही जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विक्रांत गौतम नाम है मेरा। जी सर, जो खेल कराए जा रहे हैं किस स्तर के खेल हैं और जो एक फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन इन खेलों का आयोजन करा रही है, किस तरह का काम करते हैं फाउंडेशन? ये फाउंडेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के गेम कराती है और स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के गेम कराती है। और ये हम पिछले 4 वर्षों से इस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के बैनर तले ये गेम करा रहे हैं हम। और इसमें हम लोगों का जो मोटिव है वो बाबा साहब के नाम के साथ में हम ये चाहते हैं कि सबको बराबरी का हक हकूक मिले और जो प्रतिभाएं गांव देहात में आगे आने से वंचित रह जाती हैं, वे प्रतिभाएं खेल जगत में आगे आएँ और उनका उज्जवल भविष्य हो और सबको समानता का अधिकार मिले। इसमें फाउंडेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं आर के भारत जी, वो मेरे साथ में हैं। और आर के भारत जी भी यहाँ साथ में हैं और स्पोर्ट्समैन हैं। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे किस कैटेगरी के खेल होंगे इस जो आयोजन में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें जो है ये हम 4th उत्तर प्रदेश गेम्स 2017 का आयोजन मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में करा रहे हैं। और इसमें हमने 4 सेक्शन में प्लेयर्स को डिवाइड किया है, चिल्ड्रन सेक्शन, यूथ सेक्शन, सीनियर सेक्शन और वेटरन सेक्शन। इसमें टोटल 35 खेलों का आयोजन होगा पूरे मुजफ्फरनगर में। स्टेडियम के साथ साथ कुछ और वेन्यूज़ भी हमने रखे हुए हैं और इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी पूरी हमारी रेडी हो चुकी है। अलग अलग गेम का अलग अलग कोऑर्डिनेटर होगा जो प्रत्येक गेम को कोऑर्डिनेट करेगा। और ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पोर्ट फाउंडेशन है, 2013 में फाउंड हुई थी और 2013 से और आज 2017 तक 3 नेशनल करा चुके हैं और 3 स्टेट और इससे अलग जिला लेवल पे और प्रदेश लेवल पर अलग अलग राज्यों में गेम आयोजित होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये हमारा 4th आयोजन है उत्तर प्रदेश गेम्स का। इससे पहले हम मेरठ के CCS में और कैलाश प्रकाश में 3 स्टेट गेम्स करा चुके हैं। अच्छा, ये गेम्स की भूमिका कैसे बनी, कैसे अमल में आया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसका जो फाउंडेशन को बनाने का मोटिव था ये था कि अधिकतर जो गांव देहात के बच्चे हैं वो जिस लेवल के वो खिलाड़ी बनना चाहते हैं उस लेवल पे वो पहुंच नहीं पाते, या कह लीजिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। यदि प्लेटफॉर्म भी मिलता है तो वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में या फिर फैसिलिटी के अभाव में पीछे छूट जाते हैं। तो हमने फाउंडेशन का फर्स्ट मोटो रखा ओलंपिज्म और सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमने बाबा साहब से लिया है क्योंकि बाबा साहब का भी एक सपना था कि सभी एक समान हो और बराबरी में हो, इसलिए खेल में भी हमने उसको जोड़ा है कि चाहे वो गांव देहात का गरीब तबके का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, वो अपने सपने साकार करे और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। और फाउंडेशन का हम यही मोटो लेके आगे चल रहे हैं कि चाहे गाँव किसी भी समाज का हो लेकिन उसमें प्रतिभा है तो वो उभर के आनी चाहिए, उसको पैसे के अभाव में या फैसिलिटी के अभाव में दबना नहीं चाहिए। फाउंडेशन ऐसे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और प्रत्येक वर्ष अभी 2-3 साल से वर्ल्ड लेवल पे भी फाउंडेशन के अंडर में टीम गई है और टीम में वो प्लेयर गए हैं जो कभी नेशनल खेलने के लिए भी तरसते थे। अच्छा, बहुत सी टीमें आएंगी, बहुत से खिलाड़ी आएंगे, किस तरह का मैनेजमेंट रखा गया है, किस तरह से उनकी जो एप्लीकेंट होंगे, जो आवेदन करेंगे, किस तरह से खिलाड़ी अपना आवेदन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, इसमें हमने आवेदन के लिए ऑनलाइन वेबसाइट जारी किया है और वेबसाइट पे फी स्ट्रक्चर से लेकर गेम स्ट्रक्चर तक का पूरा हमने बायलॉ डाला हुआ है
और उससे अलग जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल, अलग अलग गेम के हमारे सभी कोऑर्डिनेटर हैं, वो अपने अंडर में बच्चों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। और उससे अलग यदि कोई भी प्लेयर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उसके लिए हमने वेबसाइट का ऑप्शन ओपन रखा हुआ है। वो वेबसाइट पे जाके लिंक करके फॉर्म डाउनलोड करके और हमारी संस्था को मेल कर सकता है। अच्छा, जो फंड लिया जाएगा खिलाड़ियों से, उस फंड का क्या क्या फैसिलिटी उसमें होंगी, उसके बारे में थोड़ा? इसमें फ़ंड हमने बहुत ही नॉर्मल फीस रखा हुआ है ताकि हम बच्चे के लिए अच्छे खाने का और अच्छे रहने की व्यवस्था कर सकें जो एक खिलाड़ी को चाहिए। अच्छा, अब बात आती है फंडिंग की, फंडिंग किस तरह से हुई है और क्या जो ये खेल है वो किस स्तर तक ले जाया जा सकता है, इस तरह के जो आप सोशल जो एक पहल की है आपने, और उससे खिलाड़ियों का मनोबल कितना ऊपर आएगा? सबसे पहले यदि हम बात करें फंडिंग की, तो इतने बड़े आयोजन करने के लिए हम जो बच्चों से फीस लेते हैं नॉर्मल, उसमें इतना बड़ा आयोजन होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसीलिए हम जो है कुछ लोगों पे फोकस करते हैं, या कोई कंपनी हो या कोई पॉलिटिशियन हो या कोई बिजनेसमैन हो, ऐसे लोगों से हम संपर्क करते हैं कि फाउंडेशन को डोनेशन करे। और सोशल स्तर पे सोशल वर्कर से इस तरह से हम फंडिंग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और अभी भी हम इसी प्रयास में हैं कि हमें कोई अच्छा फंड हो जाए तो हम बच्चे को उसकी उम्मीद से ज़्यादा फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, खिलाड़ियों के मनोबल इससे बढ़ेगा, एक नया जो प्रदेश के जो प्रदेश स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर एक मनोबल जगेगा, क्योंकि हर किसी को ओलंपिक जाने का अवसर नहीं मिलता है। तो कितनी मदद मिलेगी एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनने के लिए, जो यहाँ से आपके यहाँ प्रदेश स्तर के खिलाड़ी आएंगे उनके लिए? इसमें जो है अभी हम कुछ यदि हमने ओपन का ऑप्शन रखा हुआ है, या कह लीजिए स्पोर्ट फॉर ऑल, खेलने के बिना कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, जो प्लेयर है उसको खेल में मौका जरूर मिलना चाहिए। तो इससे हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि गांव देहात में कोई ऐसी ऐसी प्रतिभा होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पहुँच नहीं पाती, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा इतनी है कि उन्हें यदि मौका मिल जाए तो वो भारत का ओलंपिक जैसे खेलों में भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये थे जो इस फाउंडेशन को चला रहे हैं और इस गेम का आयोजन करा रहे हैं, उन्होंने कहा कि गांव में भी इस तरह की प्रतिभाएं निकल कर आ सकती हैं जो ओलंपिक में भी हम यानी भारत देश के लिए पदक दिला सकती हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ तेजिंदर सिंह, दिल्ली।